बच्चों, आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को दबाइए, घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको नई से नई कहानियाँ एवं गीत सुनने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। सठे सुधे रही सतसंगत पाई, सठे सुधे रही सत संगति पाई। दुष्ट दुष्ट मनुष्य जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से सुधरते हैं। उनको सुधारना बड़ा ही कठिन होता है। कभी कभी तो वो सुधरते ही नहीं हैं, जीवन भर वैसे ही रहते हैं। मैं भी आपको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर थोड़ा सा सुधारना चाहती हूँ, आपके विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहती हूँ। इसीलिए बच्चों, मैं आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती हूँ, हो सकता है आपको पसंद भी आती हूँ। आज भी मैं दुष्ट मनुष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए एक लघु कथा डाल रही हूँ। एक शिकारी था, वह शिकार करता था। उसको शिकार करने का बड़ा ही शौक था। उसको जानवरों को मारने में बड़ा ही आनंद आता था। उसको यह नहीं लगता था कि मैं निर्जीव जानवरों को मार रहा हूँ, मुझे उनको नहीं मारना चाहिए, उनको भी तो कष्ट होता होगा। जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही उनकी भी आत्मा है। लेकिन उसको यह कुछ समझ में नहीं आता था। वह तो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को मारकर बड़ा आनंद लेता था। एक दिन वह जो है जंगल में गया तो उसने देखा कि खाई के उस पार बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ में बेर लगे हैं। बेर सारे पक चुके हैं। तो उस शिकारी ने सोचा कि इन पके हुए बेरों को खाने के लिए तो भालू निश्चित ही यहाँ आएगा और मैं उसको मारूंगा। उसने अपनी दुनाली बंदूक निकाली, उसको साफ किया, उसमें कारतूस डाले और वह जानवरों के आने का इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था जैसे ही भालू आएगा और इस छोटी छोटी पगडंडी से जाएगा तो मैं उसको मारूंगा। वह यही सोच विचार में बैठा था, दूसरी तरफ खाई थी तो भालू बड़े आसानी से गोली के शिकार बन सकते थे। वह यही सोच विचार में बैठा था कि उसने देखा कि उस छोटी सी पगडंडी पर एक नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा, सुंदर सा, बड़ा ही सुंदर सा भालू आ रहा है। उस सुंदर भालू को देखकर उसने सोचा कि इतने प्यारे भालू को अभी मैं नहीं मारता हूँ, हो सकता है कोई दूसरा भी भालू आए बेर खाने के लिए। उनका तो भोजन ही बेर है और इतने पके पके लदे लदे बेर लगी हैं तो निश्चित है कि जंगल के भालू यहाँ पर बेर खाने आएंगे। तो उसने उस माने छोटे से बच्चे को मार नहीं मारा। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक बड़ा सा भालू आ रहा है। तो उसने कहा, चलो अच्छा है, इतनी सी पगडंडी है, इस पे दो भालू तो एक संग जा नहीं सकते, और यह बड़ा भालू है, वह छोटा भालू है, ये दोनों ही लड़ेंगे और लड़के खाई में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। मैं इनको ले जाऊंगा, इनकी खाल बेच लूंगा और इनके मरने लड़ाई करने को देखकर मुझे कितना आनंद आएगा। यही सोचता हुआ वह शिकारी वहां बैठा रहा और उन भालुओं पर निगाह लगाए रहा। जो दो भालू आ रहे थे, एक बहुत छोटा नन्ना सुंदर सा था, एक बहुत बड़ा विशाल का भालू आ रहा था। वह उन दोनों ही भालुओं को देखता रहा। तभी भालू, बड़ा भालू भी छोटे भालू के पास पहुंच गया और उसने कुछ घू घू करके छोटे भालू से बात की, पर उसको तो भालुओं की बात समझ में नहीं आ रही थी, सिर्फ घू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। छोटे वाले भालू ने भी बड़े वाले भालू का जवाब दिया और
दोनों थोड़ी देर बात करते रहे, फिर दोनों बैठ गए। बड़ा भालू बैठ गया और छोटा भालू गया और बड़े भालू की पीठ पर बैठ गया, और फिर बड़ा भालू खड़ा हो गया और वह छोटे भालू को ले जाकर पगडंडी पार कराने लगा। और पगडंडी पार कराते कराते वह बेरों के पास उस भालू को ले गया। नन्हे मुन्ने बालक को अपनी गोद में उठाकर पीठ में बैठाल कर वह भालू बेरों के पास तक ले गया। वह सब देखकर उसका तो, शिकारी का तो दिमाग ही चकरा गया और उसकी समझ में आ गया कि ये दोनों भालू आपस में बात कर रहे थे कि हम दो जा नहीं सकते हैं। तो बड़े भालू ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको ले जाकर उस तरफ तक ले चलूँगा और दोनों ही बेर खाएंगे। तो इंसान की समझ में आया कि संसार का सबसे निष्कृष्ट प्राणी मनुष्य ही है। जो मनुष्य दूसरों को अकारण ही कष्ट देता है, जैसे कि मैं इन निर्जीव पशुओं को मारता हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। इन भालुओं को देखकर तो मुझे शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे दूसरों की मदद की जा सकती है। और उस शिकारी का विचार परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उन भालुओं को देखकर उसने भी दूसरों की मदद करने की सोच लिया और वह भी वापस आ गया। उसने शिकार करना छोड़ दिया और वह भी दूसरों की मदद करने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम मनुष्य होकर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के काम नहीं आते, एक दूसरे का अच्छा देख ही नहीं सकते। यह मनुष्य की, आज के मनुष्य की सबसे बड़ी बुराई यही हो गई है कि एक मनुष्य को अच्छा होता हुआ देखकर दूसरा मनुष्य खुश नहीं होता, उसके दुख होने पर ही दूसरे मनुष्य को खुशी होती है। बच्चों, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मेरी इन छोटी छोटी लघु कथाओं से कुछ सीखो, अपने हृदय में थोड़ी सी दया भावना को लाओ। आपको हमारे वीडियो पसंद आते हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।